Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nidhu Jango with Maths Classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed exercise 4.2. So I hope everyone is clear. Students, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर का मेन बेस कि क्या क्या यूज होगा, कितने मार्क्स में आएगा, वो क्लियर किया था. उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 4.1 उसके टू पार्ट्स कराए और 4.2 के मैंने आपको थ्री पार्ट्स कराए. ओके, एंड टूडे नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3. तो एक्सरसाइज 4.3 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 87. मैं अब से आपके पेज नंबर में मेंशन करूंगी कि आपकी बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसका है आपका पेज नंबर 87, चैप्टर नेम सबको आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 है एनसीईआरटी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो लास्ट साइज थी 4.2 उसमें क्या था स्टूडेंट्स कि हमारे क्वेश्चन कैसे थे, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था. बट स्टूडेंट्स इसमें मैंने पहले उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था हमारा कि मिडल टर्म स्प्लिट है, कि मिडल टर्म बीच वाली टर्म हमें तोड़ के हम आंसर निकाल देते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि आपके दो आंसर आते थे. ओके, लेकिन जो आज की जो हमारी क्लास है एक्सरसाइज 4.3, तो उसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. बट लास्ट जो 2020 का जो एग्जाम हुआ ना, तब से सीबीएसई ने वो वाला जो मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो क्रॉस कर दिया, कि वो आपके सिलेबस से आउट ऑफ कर दिया. तो उसके अलावा एक मेथड और बचता है आपका, क्या कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं बार बार कर रही हूँ रिपीट, कि आपकी बुक में ये भी होगा कि यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इसीलिए मैंने पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का बता दिया कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर वो सिलेबस से कैंसिल कर दिया है, कि अब से आपका पेपर में नहीं आएगा. और ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया है कि 4 मार्क्स में आता है. तो 4 मार्क्स में से क्या लास्ट ईयर कैसे आया था कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 2 आ गए और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. ये 4 से ज्यादा का नहीं आने वाला, और अब की बार भी स्टूडेंट यही आने वाला है. तो ठीक है, अब है इसमें क्या हो गया कि आपको कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड का कैंसिल हो गया स्टूडेंट. ओके, लेकिन इस ईयर जो है वो एक मेथड अभी भी बचा हुआ है, कौन सा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कि व्हाट इज द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आज की जो एक्सरसाइज है 4.3 वो स्टूडेंट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दोनों एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्लियर कर लेते हैं क्या फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. इट्स मीन आपके स्टूडेंट्स इसमें आपको थ्री कंडीशंस फॉलो होती है. तो थ्री कंडीशन कौन सी होती है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो और एक होती है इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या आपने तीन कंडीशन बताई है. अब जस्ट लाइक हमारी एक इक्वेशन जैसे कि ये थी ax2 + bx + c इज इक्वल टू 0, आपका ये था. तो स्टूडेंट्स आपकी जैसे कि एक इक्वेशन थी तो a की वैल्यू जैसे ab c, अब यहाँ पे ab c ये टर्म a होती है, तो यहाँ पे 1 है कुछ सपोज नंबर है. अगर यहाँ पे जैसे ये 4, 7 और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यही होता. तो आपकी क्या जाती a की वैल्यू जो ये स्क्वायर वैल्यू होती है वो a होती है, तो ये 4 हो जाती. b में क्या है 7 और c में आपकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगी होगी कि a b c ये हो गया. उसके अलावा जैसे आपकी वैल्यूज फाइंड आउट करती आपको क्या है थ्री कंडीशन आर गिवन. तो थ्री कंडीशन में क्या है ये जीरो ना देती, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ग्रेटर देन जीरो इट्स मीन आपका आंसर हमेशा जीरो से ज्यादा आना चाहिए. जस्ट लाइक 24 ग्रेटर देन जीरो कि आपका आंसर यह है कि ओनली 24 है, तो वो जीरो से बड़ा है या इक्वल है या फिर छोटा है. तो इट्स मीन आपका बड़ा है, साइन किसमें आ गया
ग्रेटर। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन आपका जो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आपके ये दो मेथड होते हैं बस, ठीक है, कि आपको ग्रेटर देन जीरो वाला ही हो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कौन सा है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो आपका ग्रेटर देन जीरो है उसी का अपोजिट। अपोजिट्स में कि सपोज आपका आंसर -24 आता है, पहले यहाँ पे कर देते हो -24 आता है, तो ये क्या 24 की तरफ साइन होगा? नहीं, क्योंकि माइनस तो आपका जीरो से भी छोटा है। आपको फर्स्ट सेवन क्लास में देखो, सिक्स सेवन में स्टार्ट हो जाता है इंटीजर्स, सेवन में स्टार्ट होता है जैसे जीरो, यहाँ पे वन वन टू थ्री फोर, आपको नंबर लाइन पता है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे यहाँ पे क्या है माइनस, तो बीच वाली से ग्रेटर जीरो और आपका माइनस वन, तो कौन सा ग्रेटर है? जीरो। जैसे ही आपको माइनस में आंसर आए तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि आपका जीरो बड़ा है किससे? -24 से। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी आई थिंक फुलफिल आपको क्लियर हो गई होगी। एंड लास्ट कंडीशन स्टूडेंट्स एक और बचती है आपकी इक्वल। तो इक्वल में क्या होता है कि स्टूडेंट्स इट्स मीन आपका आंसर क्या आना चाहिए हमेशा, जैसे कि 24 है तो यहाँ पे भी 24, दोनों साइड में आंसर 24 आने चाहिए। कभी कभी किसी किसी इक्वेशन में आंसर कैसे इक्वल आ जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये वाला डाउट है, ये कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा कि आपको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता चल गया होगा कि थ्री कंडीशन में कौन से क्या क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट में स्ट्रेस आपकी कौन सी कंडीशन है, ग्रेटर देन, सेकेंड लास्ट क्या है लेस देन, और थर्ड वन इज इक्वल टू। तो इन्हीं तीनों के ऊपर एक बेस एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये आप कंडीशन नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब लास्ट में मैं एक और बता देती हूँ आपको। ये वाली लिख लेती हूँ, एक फॉर्मूला और है क्या, वो क्या है स्टूडेंट्स देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका टू फॉर्मूला सेम होएगा, जैसे कि माइनस बी प्लस माइनस, इसमें मैंने प्लस माइनस किया ना, तो एक बार आप साइन यहाँ पे प्लस के से सोल्व करोगे, ठीक है, कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो प्लस के से सोल्व होगा, सेम दोबारा यही चीज आपके माइनस से सोल्व होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन आपके दो मेथड से सोल्व होगा, किससे, एक बार आपके प्लस से सोल्व होगा और दूसरा आपके माइनस से सोल्व होगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए कि आपको दो फॉर्मूले हो गए ना, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। देखो बस ये अंदर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है। अब लेकिन एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात आ जाएगी तो माइनस बी फिर प्लस माइनस, मतलब कोई भी एक बार प्लस से लेना, एक बार माइनस से लेना, आपको वहां पे चांस नहीं है स्टूडेंट्स की एक बार प्लस से लेना, नहीं, आपको दोनों ही कंडीशन से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। एक बार आप फर्स्ट प्लस से कर लिया तो सेकंड वन माइनस से कर लिया, ओके, तो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो आई होप कि आपके ये दोनों फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स वो क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को। तो आपको आई होप कि स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। जैसे ही फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर वन, तो हम क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, रन कर देती हूँ। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² - 7x + 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इक्वेशन गिवन है a² + b + c = 0, ये है। तो उसका मतलब क्या देगा, a की वैल्यू b और c, तो a आपका 2 है, b क्या आएगा -7 और c आपका 3। दिस इज ए 1 मार्क का क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपका एक सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है कि बस a b c। अब नेक्स्ट क्या आता है कि आपको क्या निकालना है, आपको रूट निकालना है इस क्वेश्चन में, ओके। तो रूट कैसे निकालना था, हमें फॉर्मूला है b² - 4ac, ये है। तो आपकी क्या इक्वेशन हो जाएगी -7 का स्क्वायर, ठीक है, +4 a क्या है 2,
और सी आपका थ्री। ये फिर तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 7 = 49। अब क्या यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा? नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ पे मतलब प्लस का आएगा, कोई साइन नहीं आएगा, मतलब कि जब कोई भी साइन नहीं होता तो आपको कौन सा साइन हम मानते हैं, यहाँ पे हम प्लस का साइन मानते हैं। ओके, तो माइनस माइनस प्लस का बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे पावर इवन नंबर में तो यहाँ पे आपका साइन प्लस में हो जाता है, साइन लगाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमको ओड नंबर में होता साइन की नहीं होती। ओके, माइनस क्योंकि माइनस तो ये वाला माइनस। अब 4 × 8 = 12 हो गया। अब दोनों में से जैसे 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया, तो आपका आंसर क्या गया फ्रेंड्स 25। अब यहाँ पे 25 आपका क्या आया है, ग्रेटर में आया है, लेस देन में आया है, जीरो में आया है, तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर में है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आया तो जीरो। आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, बिकॉज यहाँ पे बोला बुक में होगा कि आपका यूजिंग द कंप्लीट कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन जब वो मेथड आपका सीरियस है कैंसिल करा रही थी, इसलिए मैं आपको मेथड नहीं करा रही, आपको सिंपल करा रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। तो बी पार्ट में फ्रेंड्स 2x² + x - ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आता, तो a की वैल्यू है वो आपको 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस हो गया ना, क्लियर। a b c यहाँ पे लिखिए, तो a b c, तो a आपका 2, b 1 और c माइनस। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद जो ये चीजें हैं, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, अब इक्वेशन में पुट होंगे तो क्या है, बी है आपका 1² - हो गया 4, क्या हो जाएगा 4 में क्या जाएगा आपका पहले, तो 4 और a 2 और c क्या है ऑल्सो माइनस। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब 1² - अब क्या 4 × 2 = 8 और 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30। अब देखो ये वाला माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, या फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस लिख, अब इन सबको माइनस करेंगे बट ये माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 32। दोनों का जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 33। तो आई होप कि सिर्फ आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। तो जब डाउट नहीं, अरे यहाँ पे देखो प्लस का आ रहा है या माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे ही प्लस का आ रहा है तो साइन ग्रेटर का और इक्वल टू में जीरो। तो आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में यही करा लेती हूँ। ओके, तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, 4x² + 5√3 यहाँ पे क्या होगा, ये x होगा फ्रेंड्स, x के हमें लिख देते हैं, तो फिर अब इनका जो हो गया, अब क्या होगा प्लस में 3 = 0। ओके, तो जैसे आपने फॉर्मूला देखा, ये इक्वेशन देखी, तो बार बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, a b और c, तो a क्या आएगा 4, b 4√3 और c क्या आएगा आपका, ये हो गया कि a b c, ये आपको सबको पता ही है फ्रेंड, जैसे a b c पता है आपको क्या करना है, पुट दिस फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मैं रिपीट करती हूँ कि आपको सीबीएसई कभी भी ये आंसर लिखे आंसर के मार्क्स नहीं देखे यूजिंग दिस स्टेप, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेप होने चाहिए, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, तो आपको क्या था फॉर्मूला b² तो 4√3 माइनस 4 × 4 × 3 a 4 हो गया, फिर a आपका 4 और लास्ट में ये हो गया सर, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप, अब देखो 4 × 4 = 16, अब देखो 4√3 × 4√3
देखो 4 4 16 और रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 3 हो जाएगा तो क्या चलो 48 ये आ गया। तो अब यहाँ पे मैं 48 लिख देती हूँ, ये दोनों को बड़े ब्रैकेट में डालती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है यहाँ पे 48 आ गया। अब माइनस अब देखो 4 4 16 16 3 4 ओके तो दोनों जब 48 48 आ गया तो जीरो इज इक्वल टू में तो जीरो था। इट्स मेन आपका यहाँ पे आंसर किस में आ गया सर इक्वलिटी में आ गया। तो आई होप कि स्ट्रेंथ आपको थर्ड पार्ट में क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर क्या था ग्रेटर देन, सेकंड पार्ट में ग्रेटर देन, थर्ड पार्ट में आपका इसमें इक्वल है। और फोर्थ पार्ट में लेट अस सी हम देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं तो ए बी और सी। तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू लास्ट में। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। ओके तो यहाँ के बात करने के बाद क्या होगा कि आपको बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a और मल्टीप्लाई बाय। ठीक है ये हो गया सर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू द 8 इक्वल्स 30। ठीक है ये हो गया। अब माइनस किया तो माइनस 30 का। तो मैंने लास्ट टाइम जो कंडीशन जो की थी कि जैसे आपका आंसर माइनस में आ जाए तो क्या होगा ग्रेटर आपका जीरो किससे बढ़ जाएगा माइनस 30 से। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ पर कोई डाउट ही रहा होगा। ओके तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके एंड नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू। लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम फिर स्टूडेंट फिर से हम मिलते हैं। ओके।